सब्सक्राइबर्स के लिए एंजॉय करिए वीडियो को, कुछ करूं और उसमें दीदी हाथ ना लगाए ऐसा हो नहीं सकता। छठ पूजा आएगा क्योंकि साल बीत जाता है और छठ जा वाला है तो मेरे को बहुत मजा आता है। तो गाइज ये तबका है जो मम्मी लोग गेहूँ धुल के सुखाती हैं और यहाँ पे हमारी चाची और बड़ी मम्मी और मम्मी लोग का सबका गेहूँ है और यहाँ पे सूख रहा है और हम लोग को देखना पड़ता है कि कहीं कोई जूठा ना कर दे या फिर कोई चिड़िया खा ना ले। और यहाँ पे देखिए चूल्हा भी बड़ी मम्मी ने अच्छे से बना के रखा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है और इस पे ही प्रसाद बनेगा। तो ये अभी सूख रहा है धूप में। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो गाइज आज है छठ पूजा का दूसरा दिन, खरना आज से छठ पूजा स्टार्ट होने वाला है तो ब्लॉग पे आप बने रहिए। तो गाइज अगर मैं ऐसा कुछ करूं और उस पर दीदी हाथ ना लगाए ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी मैं सजा के गई थी और वो उसको खुरापात करके अपने तरीके सजा रही हैं। आइए दिखाते हैं। मैंने वो सही से लगाया था पर ये सब इधर से फिर लेके आई है। एक अच्छा काम करती है, चढ़ गई अच्छा लग रहा है। हाँ यही रख दे, यहाँ पे यहाँ रख दे, चिल्ला पर रख देगा। ये देखो ये साल अक्टूबर में पढ़ने वाली है ना, तो इस बार तो नवंबर चल रहा है। और ये देखिए गाइस उन्होंने डेकोरेट किया है, सब डेकोरेशन हम लोग के द्वारा किया गया है। अगर आप लोग को भी डेकोरेशन कराना है तो प्लीज़ इनसे आप संपर्क करें थे मानसी शर्मा। अब मेरी आँख में बहुत धुआं लग रहा है, बहुत ज़्यादा धुआँ हो गया है। गाइस आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये पैरा है इसमें। मम्मी पैरा क्या होता है? क्या पैरा क्या होता है? मुझे क्या पता, क्या नहीं पता क्या होता है। वो जो क्या कहते हैं कटता है, क्या कटता तो बहुत कुछ है। अरे उससे गेहूं के, उससे गेहूं नहीं चावल के, उससे धान, धान से कट के निकलता है, सूखा सूखा रहता है। तो अभी बहुत बड़ा हादसा हो गया है, दूध गिर गया है गलती से और धुआं बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा धुआँ लग रहा है अभी। तो गाइस यहाँ बहुत धुआं लग रहा है, मैं थोड़ा उधर जाती हूँ, पूरा आग भर कर दूँ। तानिया हंस कह रही हो, अकेले अकेले खाए बहाई हो तुम। मुझे तो दीदी तुमको पता है दूध गिर गया है इसके ऊपर, मानसी दी से गलती से गिर गया दूध पूरा पूरा, क्या थोड़ा सा गिर गया है और मैं रोने लगी इसीलिए। मैं तुमसे बोल रही हूँ मैक्रोनी ले आओ खाना है, मुझे भूख लग रही है। तो हम दीदी कौन बनाएगा? ये दीदी कम नहीं लग रहा है आपको? अरे वो खेल रहा था मुंडन फंक्शन, इस पे सोने में बहुत मजा आता है। जब हम लोग छोटे थे इसी पे सोते थे, जब हम लोग की दादी थी ना तो वहाँ पे बनता था दादी के पास, तो हम लोग सोते थे पैरा पे ही और बहुत मजा आता था क्योंकि सब लोग साथ ही सोते थे। घर में जितने भी दो इतना बोलती है पीछे से, मम्मी कहीं छू तो चली आई कूदते खाते नीचे जाइए। इन दोनों के पीछे बहुत लड़ाई होती है, सिर्फ मजाक में लड़ाई होती है। तो अभी खीर बनेगा और उसके बाद पराठा बनेगा और मम्मी सुबह से आज व्रत थी तो अभी खाएंगी खीर और पराठा और मूली और फल जो भी होगा वो खाएंगे और फिर उसके बाद उनका फास्ट स्टार्ट हो जाएगा फिर से। जा धुला जाके मम्मी ताने पैर चढ़ के खीर बनाने के लिए चावल मम्मी देख रही है, केशु आ रहे हैं। मम्मी लाइट कम नहीं जल रहा है, लाइट कम नहीं है। फट गया तानिया, फट गया। अब इसमें मम्मी खाना खाएंगी, इसको धुल के रखना पड़ेगा दांतों को। मम्मी धुलना है ना इसको, मम्मी खाएंगी तो मैं इसको काट के धुलूंगी। और ये शाम को याद आया हमारे घर में, खीर बन चुका है गाइस, यहाँ मम्मी बना रही है। आइए उधर चलते हैं हम लोग। तो आप यहाँ क्यों बैठी हो, आपको क्या हुआ, क्या हुआ दीदी आपको?
फिर इनका ड्रामा है। तो गाइस ये यहाँ अकेले बैठी हुई है क्योंकि आज ये फिर उदास हो गई है, उदास हो गई है हर दिन ये उदास हो गई। मेरे पास कोई काम नहीं, काम करती हूँ क्योंकि पता नहीं क्या हुआ यहाँ पे लेटे हुए। कोई बात है क्या किशु, क्या हुआ तुमको? नहीं खेल रहा है। क्या नहीं खेल रहा है? मेरी बॉल ऊपर चली गया। तो बॉल खेलना है? उठ जाओ उठ जाओ, ऐसे लेट हो गए तो अच्छा नहीं। हम लोग वीडियो बनाते आओ। तो गाइस हम लोग को बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि कब छठ पूजा आएगा, क्योंकि साल बीत जाता है और छठ जा वाला तो हम लोग को बहुत मज़ा आता है। हम लोग गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आता था सेलिब्रेट करना, क्योंकि दिवाली के 6 दिन बाद छठ होता है और दिवाली ख़त्म होने के बाद गोवर्धन पूजा के जस्ट बाद से तैयारी स्टार्ट हो जाती है। तो गाइस दीदी ये पराठा बना रही हैं और खीर बन चुका है, और मम्मी हमेशा हर साल चूल्हे पे ही बनाती है। आम की लकड़ी से आग जलता है और चूल्हे पे ही सब कुछ बनता है, और बहुत लोग जिनको हो सकता है वो गैस भी बना सकते हैं, लेकिन मम्मी तो यहाँ पे चूल्हे पे बनाती हैं। और ये पायरा पे मम्मी सोती भी है, इसको हम लोग पायरा ही बोलते हैं। और अभी मम्मी प्रसाद देंगी, अभी मम्मी ये खाएंगी। तो गाइस दीदी का बहुत अच्छा लग रहा है, चमक रहा दूर से ये, और ऐसे दीदी ने कहा कहने इसके लिए मुझे 5 रुपये मिला है दीदी के तारीफ मिला है। तो जिनको दीदी सुंदर, मम्मी मेरे पीछे पड़ी थी कि साड़ी पहनो साड़ी पहनो, तो सुंदर लग रही थी, तभी तो बोल रही मम्मी साड़ी पहने को, क्योंकि पूजा हो रहा है इसलिए मम्मी ने को बोला साड़ी पहने को। हम लोग घर का कपड़ा पहन के बैठे हैं। खिलाओगी? मुझे नहीं खिलाओगी? अच्छा हाय किस कर दो। अरे वाह ले लिया मैंने किस तुम्हारा, थैंक यू खत्म। आप खा लो बेटा। प्रसाद इतना टेस्टी है दीदी, सही में बहुत टेस्टी है। क्या कर रही ताने, ये ताने तो बैठे खाना खाने लगे हैं। इनको देखो आप लोग ऐसे ही खा लीजिए, आप लोग को मिलेगा तो है नहीं। ये मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मिल गया, चढ़ गया। गाइस हम लोग को प्रसाद मिल गया है, अब हम आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, और बहुत मज़ा आने वाला है कल। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए। अभी हम लोग प्रसाद खा रहे हैं, ये देखिए प्रसाद खा रही हैं, और इधर तानिया बैठी है। तानिया कैसा लग रहा प्रसाद? तो आपके लिए भी, आप भी इंजॉय करिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।